अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है सिरी पाए। चलें तो शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लें। मैंने बीफ के 2 बड़े पाए लिए हैं। इसमें मैंने 4 से 5 गिलास पानी डाल लिया है। आधा किलो मैं इसमें सिरी डालूंगी। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया डालूंगी। 2 लहसुन डाल लेते हैं। 2 बड़ी प्याजों को दरमियान से कट करके इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 3 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी और इसे 1 घंटे तक की स्टीम दूंगी। अगर 1 घंटे की स्टीम के बाद भी आपको लगे कि पाए आपके अच्छे से नहीं गले तो आप दोबारा स्टीम दे सकती हैं। अब इसे हम स्टीम लगा लेते हैं 1 घंटे की और दूसरी तरफ पाए का मसाला तैयार करते हैं। जायफल जावित्री ले लें 2 से 3। बड़ी इलायची ले लें 4। दालचीनी की स्टिक्स ले लें 5 से 6। छोटी इलायची ले लें 5। ज़ीरा ले लें 1 चम्मच। काली मिर्ची ले लें 1 चम्मच। अजवाइन ले लें 1/2 चम्मच। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड हो चुका है, इसे रख लेते हैं। अब एक पतीली ले लें, 1/2 कप उसमें ऑयल डाल लें। 2-2 चम्मच के करीब आप उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। 5 मिनट तक उसे भून लें। 5 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 प्याली दही डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। 2-2 चम्मच ही हम इसमें धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 3 चम्मच के करीब हमने इसमें लाल मिर्च डाली है। 2 चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है। सब मसालों को अच्छे से भून लेते हैं और लो फ्लेम पे। पायों का जो मसाला हमने बनाया था वो हम इसमें शामिल करेंगे और इस सबको अच्छे से भून लेंगे। जो अब मैंने पहले से ही गोल्डन ब्राउन प्याज कर ली थी, इसे हम क्रश करेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। और हमारे पाए तब तक हमारे पाए हो चुके थे तो मैंने उन्हें छान लिया था, अलग-अलग रख लिया था। वो पाए अभी हम इसमें शामिल करेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। सारे पाए मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब पायों की यखनी इसमें शामिल करेंगे। यखनी आपने छान के डालनी है। अब हम इसे कवर कर देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। दरमियान में हम इसे खोलेंगे और इसके ऊपर की तरी जो है हम एक डोंगे में सेव कर लेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस तरी का हम क्या करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें ये तरी रहने देंगी तो ये फट जाएगी, इसलिए आप इसे एक डोंगे में सेव कर लें और इसे दोबारा से कवर कर दें। यहाँ पे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारे पाए एकदम तैयार हैं। चूल्हा बंद करें, सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो एक डोंगा लें और उसमें सर्व करना शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और एक बार ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। जो तायरी हमने बचाई थी अब उसमें हम ऊपर से डालेंगे। ये इसकी एक लुक निकल आएगी। गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया काट लिया था, कुछ अदरक, वो इस पर गार्निश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे पाए तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम।